दो बच्चों के लिए एक बेडरूम कैसे डिजाइन करें। लड़के और लड़की के लिए कमरा बहुत छोटा था और दोनों बड़े भी हो रहे थे, इसलिए दोनों को एक साथ बेड शेयर करना ठीक नहीं था। अलमारी को दूसरे बेड से बदल देना उन दोनों की प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं था, और दोनों बच्चों के लिए डेस्क रखने की भी जगह नहीं थी, इसलिए माता पिता ने उस कमरे को रीडिजाइन करने का सोचा। सबसे पहले एक बेड दीवार के साथ लगाया जिसमें फ्रेम का अपर पार्ट लेफ्ट साइड में लड़की के लिए बनाया। कंफर्टेबल वॉल पैडिंग लगाई ताकि अच्छी नींद आए। बेड के पास एक बड़ी अलमारी बनाई जिसमें लड़की अपने फेवरेट कपड़े रख सके। बेड के एंड में एक कॉर्नर डेस्क बनाई जिसमें बच्चे अपनी फेवरेट बुक्स रख सके। पर्सनल स्टडी के लिए एक टेबल बनाई। कमरे के राइट साइड में दूसरी अलमारी बनाई ताकि लड़का अपने रोज पहनने वाले कपड़े रख सके। दीवार के साथ एक बड़ा डेस्क बनाया ताकि लड़का अपना होमवर्क कर सके। डेस्क के ऊपर एक कैबिनेट बनाया जिसमें लड़का अपनी बुक्स रख सके। एक बड़ा मैट्रेस ऊपर रखा ताकि वो रूप का काम कर सके। सेफ्टी रेल्स लगाई ताकि लड़का नीचे ना गिरे। पार्टीशंस के लिए कमरे को ट्रांसपेरेंट दरवाजे से अलग किया। बच्चों के लिए और क्या चीजें बेडरूम में होनी चाहिए।